जितने भी स्ट्रीट वाले हेयर ड्रेसर्स होते हैं उन लोगों के साथ ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पे ख़ास बात यह है कि ना बिजली ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये काम कर रहे हैं। तो आज कोई सलून नहीं जाएंगे, आज जाएंगे नई की दुकान पे और एक कंपेरेटिव व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम शो करेंगे कि सलून में कैसे हेयर कटिंग की जाती है या हमारे स्ट्रीट में जितने नई की दुकान होती है वो किस तरह कटिंग करते हैं। तो बहुत मुश्किलात के बाद हमने एक स्ट्रीट वाली नई की दुकान मिल गई, स्ट्रीट साइड है, तो यहाँ पे अभी कटिंग करेंगे और कंपैरिजन आप लोगों को दिखाएंगे। ये कंपैरिजन इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इस तरह कटिंग कर रहा हूँ, पता नहीं किस तरह होगा, लेकिन चलो देखते हैं। हुसन हुसन है हुसन आउत पूस द हुसन चाना माकवा समंदर शी सूत। बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पे ख़ास बात यह है कि ना बिजली ना पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रीट वाले नई की दुकान है और फिर भी ज़बरदस्त कटिंग की और बाबा जी की अपनी ख्वाहिश पे मैंने कटिंग की, ऐसा नहीं किया मैंने कि इस तरह करो इस तरह। और दूसरी जो ख़ास बात है यहाँ पे, तो बाबा जी कहते थे कि यारा वो अंग्रेज़ों वाले स्टाइल ना करो, वो हम नहीं करते, वो कहीं और जाके करो। तो ये भी बहुत ख़ास बात है, बहुत ही एक इस्लामिक पर्सन है यार। हाँ माशाल्लाह सही यार, बिल्कुल कम तरीन प्राइस ये लोग लेते हैं, 50 रुपये लेते हैं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है यार। सैलून में कितने कितने पैसे लेते हैं। समंदर हर नजर ये शराब दे मस्तीदा दाद रूह लेवने मैं खानदा दबंदा और आका जड़ राज दे द जुअंतुन और जन्नत अफसानदा। ये ज़रा कंपैरिजन मैंने आप लोगों को दिखाया, माशाल्लाह बाबा जी ने भी बहुत ज़बरदस्त कटिंग किया, बिल्कुल ख़त वग़ैरह और सब कुछ ज़बरदस्त की। तो अभी इसके बाद 30-40 दिन सब्र करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे किसी और सलून और वहाँ पे इंशाल्लाह कटिंग करेंगे। सिर्फ 50 रुपये में यहाँ पर आप लोग ये कटिंग कर सकते हैं, वाह यार इससे और मज़े क्या हो सकते हैं। तो अभी इधर आ गए हेयर फोकस और यहाँ से कटिंग करवाते हैं। तो ये जगह भी आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह कटिंग होती है, स्ट्रेट कटिंग और यहाँ पे कौन सा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी, ठीक ठाक। बस अभी इन लोगों से कटिंग करवाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसी कटिंग होती है और वहाँ बाहर किस तरह कटिंग होती है। तो इस बच्चे को मैंने कहा कि आप मेरी क्या खिदमत करेंगे, ये भी ने पानी पिलाया, वाह यार बड़ी मेहरबानी, बस ये हमारे लिए बड़ी खिदमत है आपका, ठीक है।
तो यहाँ पे और उधर ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे सफाई ज़रा कम होती है, लेकिन वो देसी कटिंग होती है और ये ज़रा और क्या कहते हैं मम्मी डैडी टाइप कटिंग होती है। अब सदा मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। अभी बाल हो गए, अभी दाढ़ी की बारी है, तो देखेंगे दाढ़ी किस तरह बनाते हैं। तो अभी दाढ़ी वगैरह भी सेट हुई, हेयर्स भी ठीक हुए, अभी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वॉश करेंगे, हेड वॉश करना है और फिर उसके बाद ड्राई करेंगे। चलो बदल फिरते थे ना था कोई रास्ता, धूप में जलते थे, मिल गया साया तेरा। ये अभी हम बाइक को फेश वॉश कर रहे हैं, फ्री वाला। अच्छा एक नंबर वाला, दो नंबर वाला नहीं। जितने भी स्ट्रीट वाले हेयर ड्रेसर्स होते हैं उन लोगों के साथ ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो बस यही फ़र्क होता है। ये ज़रा डिफरेंस आप लोगों को समझा रहा था कि यहाँ पे कौन सा डिफरेंस होता है और वहाँ पे कौन सा होता है। तो आइए यार, मैं हूँ तेरा बंदा तू सुन ले, मैं हूँ तेरा बंदा तू सुन ले, अब सदा मेरी। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। ये थोड़ा डिफरेंस होता है, मैंने आप लोगों को ये डिफरेंस दिखाया और बस आप लोग खुद देख ले कि हमारा देसी कटिंग किस तरह होता है और यहाँ पे कटिंग किस तरह होता है। ये अभी हेयर फोकस में हूँ जो पेशावर के माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ड्रेसर हैं और ज़बरदस्त काम करते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह है वो भी यहाँ पे आते हैं और ख़ुद भी इन लोगों का टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं, 1.7 मिलियन फॉलोअर्स भी है सैफ़ी के। चलो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्रांड न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।